निवेश करने से पहले हमेशा ये पता करना चाहिए कि उस निवेश में आपका पैसा कितना सुरक्षित और स्थिर है, उसमें लिक्विडिटी कैसी होगी और रिटर्न्स कितना मिल सकता है, तभी आप एक अच्छे निवेशक कहलाएंगे। क्या आपको पता है, यदि आप अपना पैसा कहीं निवेश न करके नकद या बैंक में रखते हैं तो बढ़ती महंगाई के कारण लगातार उसका मूल्य कम होता रहता है। इसीलिए अपने बचत करने, जोखिम लेने और निवेश में बने रहने की क्षमताओं को पहचान कर निवेश जरूर करें। चलिए तो देखते हैं वो कौन से अच्छे निवेश विकल्प हैं जिनमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है, जहां जोखिम बहुत कम रहता है। बाकी विकल्पों की तुलना में टैक्स देने के बाद इसमें रिटर्न्स जरूर कम मिले पर निश्चित ब्याज मिलता रहता है। 5 साल की टैक्स सेवर एफडी में निवेश कर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर थोड़ी ज्यादा रहती है, वो भी कम टैक्स के साथ, जिसके कारण उनके लिए ये अच्छा निवेश होता है। ईपीएफ लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी के साथ निश्चित ब्याज मिलता है। जहां पीपीएफ के निवेश में धारा 80C में टैक्स छूट मिलती है, वहीं 15 साल की लॉक इन अवधि के बाद मैच्योरिटी पर निवेश और ब्याज दोनों में ही टैक्स छूट होती है, जो इसे ईईई श्रेणी का निवेश बनाता है। पर इसमें लिक्विडिटी कम होती है और 6 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, जिसके बाद आंशिक निवेश निकालने का प्रावधान होता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, टैक्स छूट, निकासी के नियमों में बदलाव और पिछले सालों में अच्छे प्रदर्शन के कारण एक आकर्षक निवेश विकल्प बनकर उभरा है, जिसमें रिटायरमेंट के लिए पूंजी लगाई जा सकती है। धारा 80C की 1.5 लाख की बचत के अलावा इसमें 50,000 रुपयों पर अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं और सालाना 8-10% रिटर्न्स ले सकते हैं। क्योंकि ये बाजार आधारित होता है और शेयर्स, एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी बॉन्ड्स को मिला के बनता है। यूलिप बीमा और निवेश दोनों की सुविधा देता है, जिसके तहत निवेशक के प्रीमियम का आंशिक हिस्सा बीमा में तो बाकी हिस्सा शेयर्स या बॉन्ड्स में निवेश होता है और इसमें धारा 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं। ये भी लंबी अवधि का निवेश है जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और जोखिम या रिटर्न्स बीमा योजना के प्रकार पर निर्भर करता है। सोना सुरक्षित और सदाबहार निवेश विकल्प है और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स के कारण महंगाई के खिलाफ सुरक्षा देता है। चाहे फिर वो ज्वेलरी, सिक्के या बार हो, या डिजिटल निवेश जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF और ब्याज देने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, सोने में पोर्टफोलियो का 5-10% निवेश करना चाहिए। सोने के साथ साथ चांदी में निवेश भी एक अच्छा विकल्प है। रियल एस्टेट या अचल संपत्ति अपने रहने के लिए या निवेश विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आवासीय संपत्ति जैसे फ्लैट्स या प्लॉट पर बैंक लोन लेने के बाद धारा 80C में 1.5 लाख और ब्याज पर 2 लाख रुपए पर टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल जैसे ऑफिस या दुकान में भी निवेश करा जा सकता है। इसमें रिटर्न्स पूंजी वृद्धि और किराए से मिलते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव, प्रॉपर्टी की लोकेशन और मौजूद सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। पर इसमें लिक्विडिटी कम रहती है और इसे बेचने में भी समय लग सकता है। म्यूचुअल फंड्स बाजार आधारित एक अच्छा निवेश विकल्प है, जिसमें सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनता है और उस पूंजी को फंड मैनेजर रिसर्च करने के बाद इक्विटी, बॉन्ड्स और दूसरे वित्तीय साधनों में आवंटित करते हैं। इन वित्तीय साधनों का विस्तार से वर्णन आप एसेट क्लास वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसी आवंटन के आधार पर म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी फंड्स, डेप फंड्स, लिक्विड फंड्स, गोल्ड फंड्स और अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसी के हिसाब से इनमें जोखिम और रिटर्न्स देखा जाता है।
इनमें से 3 साल की लॉक इन अवधि वाले ELSS फंड्स में निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में नए निवेशक SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जिसमें हर महीने एक निश्चित निवेश करना होता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करके लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न्स देता है। सही फंड्स चुनने के लिए वित्तीय लक्ष्य पहचानना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे 5 साल बाद 5 लाख की पूंजी के साथ विदेश यात्रा करने के लिए बचत करना, तभी आप इसमें सही निवेश करने में सक्षम होंगे। निवेशक के तौर पे धैर्य रखने की बहुत जरूरत होती है, और जिस निवेश की पूरी समझ ना हो उससे बच के रहना चाहिए। किसी की कही सुनी बातों के आधार पर निवेश करने से बढ़िया होता है अनुभवी निवेशकों से सलाह लेके अपनी समझ से निवेश करना। दोस्तों, तो निवेश करते रहें और अपने अनुभव या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ।